36 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी को पहचान दिलाई। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर को देखते हुए माँ सरस्वती इंटर कॉलेज में बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अपना भविष्य मान लिया है। उनका कहना कि जैसे पढ़ाई जरूरी होती है, उसी तरह खेल भी जरूरी है। मन के विकास के साथ साथ शरीर का भी विकास और स्वस्थ होना जरूरी है। वहीं छात्रों का कहना था कि अगर लड़के खेलों में जा सकते हैं तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं। मुझे मेरा सबसे पहला एम रहता है बच्चों के अंदर शारीरिक विकास करना, क्योंकि शारीरिक विकास जब तक बच्चों के अंदर नहीं होगा तो हम बच्चों के अंदर मानसिक विकास नहीं कर पाएंगे। हम लोग बच्चों के ऊपर एक बर्डन डालते रहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन जब तक बच्चे का शारीरिक विकास नहीं है उसके थ्रू इंसान का मानसिक विकास होगा। जब मानसिक विकास होगा तो बच्चा पढ़ाई में और खेल में दोनों में निकलेगा। चुनना चाहिए ताकि उसको रोज़ खेले और उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो बनी रहे। हम पूरे दिन में एक घंटा तो खेल के लिए निकाल ही सकते हैं। जैसे हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए गेम्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिए भी खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं और ये चीज उन्होंने प्रूफ कर दी है गेम के द्वारा। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।